पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में रहने वालों की पहली पसंद ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़ है। हालांकि यहां के रियल एस्टेट मार्केट में भी मंदी के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इस फेस्टिव सीजन में होम बायर्स को मार्केट में लाने के लिए बिल्डर्स काफ़ी ऑफर्स दे रहे हैं। बिल्डर्स बायर्स को यहां पर घर खरीदने के लिए 3 से 5 लाख तक के ऑफर्स दे रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इन ऑफर्स के साथ ट्राई सिटी में आप अपने नए घर का सपना पूरा कर सकते हैं। लेके आए हैं फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफर 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, जिसमें हमारी गिल्को की ऑल प्रॉपर्टीज़ को हमने शोकेस किया है, जिसमें हमारे पास कुछ रेट टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास गिल्को पार्क हिल्स एयरपोर्ट रोड पे है, और जो हमारे पास रेट टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेक्टर 127 115 500 एकर्स की टाउनशिप में है। 150 रुपीस का पर स्क्वायर फीट का हमने डिस्काउंटिंग किया है, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6% की डिस्काउंट बन जाती है, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं 27 लाख से लेके 90 लाख तक के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। मोहाली में बिल्डर्स पुराने ग्राहकों के लिए भी स्कीम लेकर आए हैं और साथ ही फ्लोर राइज पर भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। होम बायर्स को फ्लैट खरीदने पर 3 से 6 लाख तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। फ्लोर राइज में छूट के अलावा 5% पैसा देकर घर बुकिंग का ऑफर दिया जा रहा है। बायर्स को अपनी सुविधा के हिसाब से EMI देने का प्रावधान रखा गया है। नए बायर का रेफरेंस देने पर पुराने बायर्स को सोने के सिक्के के ऑफर दिए जा रहे हैं। फेस्टिवल में ना अक्सर लोग जो प्रॉपर्टी लेने आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ताकि वो अपना जो दिवाली का त्यौहार है अच्छे से एंजॉय करें और उनको और ढेर सारी खुशियाँ मिलें। तो इसलिए हम 10 से 15% डिस्काउंट करते हैं। जो भी हम फ्लैट्स बना के सेल करते हैं उसमें कस्टमर को 3 से 5 लाख का फ़ायदा हो जाता है। हर शहर में ऑफर्स की भरमार है और बायर्स भी इस मंदी के दौर का फायदा उठाना चाहते हैं। देखना ये होगा कि बिल्डर्स और होम बायर्स को इन ऑफर्स का कितना फायदा मिलता है। फेस्टिवल सीजन में रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर लगा दिए हैं। अब देखना होगा मंदी के इस दौर में रियल एस्टेट कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने में कितनी सक्षम सिद्ध होती हैं। कैमरामैन जयवीर के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। ऑफर्स की बाढ़ आई हुई है और होम बायर्स भी इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन कई बिल्डर्स इन ऑफर्स के जरिए धांधली कर रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो इन ऑफर्स के शिकार हो चुका है। किसी भी ऑफर को जानने से पहले हमारी ये रिपोर्ट जरूर देख लें, ताकि अगर आप ऑफर्स के जरिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये रिपोर्ट काफी हद तक फायदेमंद हो सकती है। हमने ऐसे करके एक इन्वेस्टमेंट कर दी जो कि अमाउंट है 1.2 करोड़। वो जब इन्वेस्टमेंट हमने करी उसमें हमारे साथ कंडीशन ये थी कि हमारे को इसके ऊपर 12% के हिसाब से 12% पर मंथली इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जब ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो हमारे को लीज करके पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो कि हमारे को एक कमिटेड अमाउंट 12% ही रहेगा। हमने उस बिल्डिंग की अपफ्रंट पूरी की पूरी पेमेंट कर दी। जब पूरी पेमेंट बिल्डर ने ले ली, बिल्डर ने पूरी पेमेंट लेने के बाद हमारे को इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। वो शुरू में उसको इंटरेस्ट ही शो करता रहा, लेकिन एक सर्टन स्पेसिफिक स्टेज के बाद 3 साल तक उसने इंटरेस्ट हमें दिया। 3 साल के इंटरेस्ट देने के बाद हमें ये पता लगा कि उसने TDS भी जो डिडक्ट करता था डिपॉजिट करना बंद कर दिया। सुनिए आपने रियल स्टेट सेक्टर के एक ऑफर स्कीम की कहानी। आकर्षक स्कीम की जाल में बुरी तरह फंस चुके विकास सेट्ठी अब अपना ही पैसा वापस लेने के लिए
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल मिस्टर सेट्टी बेहतर रिटर्न के चक्कर में एक आकर्षक स्कीम की जाल में फंस गए और ऐसे फंसे कि अब निकलना मुश्किल हो रहा है। देश में हजारों विकास सेट्टी हैं, जिन्हें लुभाने के लिए अलग अलग तरह के ऑफर्स और स्कीम का झांसा दिया जाता है। आमतौर पर त्योहारों के समय ऐसे स्कीम और ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है। चौक चौराहों पर, आपके मैसेज बॉक्स में, विज्ञापनों में या फिर कॉल करके रियल स्टेट सेक्टर की छोटी बड़ी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करती हैं। फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए खास तौर पर ऑफर्स और डिस्काउंट्स डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं आप उन ऑफर्स या डिस्काउंट्स के लोभ में ठगे तो नहीं जा रहे, या फिर आपका ध्यान सिर्फ ऑफर्स या डिस्काउंट पर है और प्रॉपर्टी की जरूरी बातें आप इग्नोर कर रहे हैं। किसी भी ऑफर पर जाने से पहले सामान की वैल्यू मनी टर्म्स में लगाएं। बिल्डर से मिलने वाले ऑफर्स को लिखित में लें। ऑफर्स में बेसिक प्राइस होता है और स्टॉल लगा होता है। इस बारे में बिल्डर से अलग से चार्ज का पता करें। स्क्रैच कार्ड के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। प्राइमरी मार्केट की कीमत को सेकेंडरी मार्केट से कंपेयर करें। ऑफर्स पर पोजेशन सून लिखा होता है, ऐसे में लिखित में कंप्लीशन की तारीख लें और पेनल्टी क्लॉज को सही ढंग से पढ़ लें। एज अ कस्टमर उनको ये देखना है कि वो एक राइट बिल्डर चूज करें जिसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, प्रोजेक्ट जिसके अंदर अप्रूवल्स हो चुके हों, विच इज़ जिसके अंदर होम लोन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर होम लोन मिल रहा है तो बैंक ने अपनी तरफ से ड्यू डिलीजेंस करा होता है ज़्यादातर प्रोजेक्ट का, तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि होम लोन अगर अच्छे बैंक से अवेलेबल है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट लीगली अप्रूव्ड है। मेरी रिक्वेस्ट है एंड कंज्यूमर से, उन्हीं प्रोजेक्टों का उन्हीं डेवलपर के पास जाए जो कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, जो प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन के पास आ रहे हो, लोग आपको लग रहे हैं कि डेवलपर ने पोजीशन देना शुरू किया हुआ है, उसी प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट करें। उन्हीं प्रोजेक्टों में जाके अपनी जो है मेहनत से कमाई हुई पैसा को जो है इन्वेस्ट पे लगाएं। किसी भी ऑफर पर जाने से पहले आपका ड्यू डिलिजेंस करना काफी जरूरी होता है। कहीं ये ना हो कि आप अपनी जीवन भर की कमाई किसी गलत बिल्डर के हाथ में ना दे दें। गौरव खोसला, जी मीडिया।